अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका वीडियो डायरीज शाइंड अनम में। और कैसे हैं आप? कभी कभी हमारा दिल करता है ना कुछ हटके खाया जाए, कुछ ऐसा जिसको खाने में भी मज़ा आए और बनाने में भी मज़ा आए। आज हम आपको कुछ ऐसा ही बनाना सिखा रहे हैं। चिकन का कीमा लिया है और इस कीमे को इतना बारीक पीस लिया है कि हमने हाथ लगाने पर बिल्कुल ही इतना हमारे हाथ में आ रहा है। पिसे हुए कीमे में हम ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्चें और प्याज जो है हमने इसको बारीक चॉप करके रखा था। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना, बताइए क्या ऐड करना होगा जी, ये जो हर खाने की ज़रूरत है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। हम इसमें ऐड करेंगे अपनी 2 चम्मच गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए तो बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए कर लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च, नमक हंसते जायका, सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके बाद 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अब डबल रोटी के स्लाइस हमने भिगो के रखे थे, इसको अच्छे से निकाल के पहले हम इसको पूरा स्क्विज कर देंगे, इसका पूरा पानी निकाल देंगे, फिर इसको हम ऐड करेंगे। हो गया तो इसके बाद हम इसमें हमने इलायची, दालचीनी और काली मिर्ची साबित और जाफर जावित्री को पीस के रखा है, और इसमें हमने ऐड की है अपनी लाल मिर्च गोल वाली, उसको पीस के हमने ये मसाला रेडी किए हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा आप, इलायची, लाल मिर्च, दालचीनी और थोड़ी लौंग भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। इसके अलावा जाफर और जावित्री का 1-1 पीस, इसको हम अच्छे से इसमें मिलाएंगे ताकि इसमें इसका अरोमा अच्छा सा आ जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए जो है ना हम फ्रिज में रख देंगे। अच्छे से रखेंगे तो इसका टेस्ट भी और ज़्यादा इन्हेंस होगा। फिर इसको हम करते हैं फ्राई। 3 से 4 घंटे रखने के बाद अब इसका टेक्सचर इतना वो हो गया है कि हम आराम से इसके कबाब बना सकते हैं। तो अब इसके हम गोला कबाब बनाएंगे, उसको गोला कबाब की शेप देंगे। इस तरह हम इसके शेप देंगे, इसमें कोई पेंसिल या कोई स्ट्रो से इसके अंदर सुराख करेंगे, इतना बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। अभी सारे बन के रेडी हो गए हैं, अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो इस तरह से इसमें फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, इसको जब तक एक साइड पक नहीं जाएगा हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ओके, 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको पलटना शुरू करेंगे। देखिए सब तो गए, अगर हम इसको पहले पलटते ना तो ये टूट जाते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार से यमी कबाब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद बस हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब हम इसको असेंबल करके दिखाते हैं। इसको हम खीरा, रायता और प्याज, लीमू के साथ, इसके आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, अप टू यू। और देखिए इसकी लुक देखिए, और सच सच बताइए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। मुझे तो आ रहा है, तुम्हें आ रहा है? हाँ, मुझे भी बहुत आ रहा है, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। भूख भी बहुत लग रही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनते हैं।